Avdish Upadhyay of the BJP also with us on the broadcast. Mr. Upadhyay, there's a lot of outrage currently in Maharashtra as well as across the nation over what's happened in Pune. Rahul Gandhi has now mounted an attack against the Bharatiya Janata Party, saying that the BJP is creating two Indias where regular drivers of cars, truck drivers, if they were in such a case, then bail would not be granted. There would be a serious charge. However, because the incident involves the son of a wealthy builder from Maharashtra, no action has really been taken, and he has simply been asked to write an essay about how he feels. देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के जो चरण समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे पांचवें चरण का चुनाव समाप्त हुआ, छठे चरण का चुनाव आने वाला है वो समाप्त हुआ, उसी तरह से धीरे धीरे जो हमारा इंडिया अलायंस है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है कांग्रेस पार्टी, उनका भी जो मानसिक संतुलन है ना वो बिगड़ता जा रहा है। वो हर चरण के बाद एक नया नैरेटिव पेश करना चाहते हैं देश की जनता के सामने, जिससे कि हमारी देश की जनता भ्रमित हो सके। लेकिन देश की जनता भी ये जान चुके पत्रकार महोदया, और आपके जो दर्शक देख रहे हैं वो भी ये समझते हैं कि जिसके परिवार ने 70 साल देश में राज किया और देश को बांटो, देश में रहने वाले जो लोग हैं उनको धर्म जाति पंथ में बांटो, उनमें फूट डालो, राजनीति करो, जो राजनीति इनकी थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब जो देश में राजनीति है विकासवाद की राजनीति है, और देश की जनता जो है पूरी तरह से ऐसे लोगों को नकार चुकी है, और जो विकास की राजनीति है उसको स्वीकार कर चुकी है। इसमें कोई दोराय नहीं है। राहुल गांधी हो, इनके सहयोगी दल के नेता हो, कितने भी नैरेटिव पेश कर लें देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, लेकिन देश की जनता ने ठान लिया है इस बार कि पूरी तरह से मोदी सरकार को दोबारा से लेके आना है 2024 में, कमल खिलाना है 2024 में। नहीं, अवधेश उपाध्याय जी, आपने मेरे प्रश्न का सवाल नहीं, प्रश्न का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि दो भारत बनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि अगर कोई रेगुलर कार ड्राइवर होता या ट्रक ड्राइवर होता, ओला उबर का ड्राइवर होता, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता। यहाँ पे जो खबर आ रही है कि लैप्स हुआ है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी, देर इज एक्यूजेशंस ऑफ सीरियस कवर अप्स दैट हैव कम आउट as far as the investigation is also concerned in the Pune accident where two people have been killed. The fact is simple and straight, Mr. Upadhyay, that two people have been killed. There was an underage boy who was driving, who was overspeeding, and he got bail and he's been asked to write an essay. His father has, as per reports, been arrested for allowing his minor son to do all of these activities, but we do not know whether further action will be taken. What steps is the Bharatiya Janata Party taking? Because your government is in power in Maharashtra, sir. जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं बात आपकी समझ गया, जो प्रश्न का ही जवाब दिया था मैंने, जिस प्रकार राहुल गांधी जी कह रहे थे आपने बताया है, उसी का मैंने जवाब दिया कि राहुल गांधी जी नए नए नैरेटिव पेश कर रहे हैं जनता के सामने ताकि जनता भ्रमित हो सके कि भाई भारतीय जनता पार्टी दो भाग करना चाहती है। अरे भाई, देश को तोड़ने का काम किसने किया था आजादी के बाद, ये पूरा देश जानता है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे या आपको, सब जानते हैं उसका जिम्मेदार कौन था। तो ये तो भैया कांग्रेस की नीति रही है कि तोड़ो देश को, तोड़ो देश में रहने वाले। कांग्रेस की तो जो नीति रही है वो रही है उपाध्याय साहब, बट भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान है, क्या एक्शन लेंगे इस केस में? भारतीय जनता पार्टी, व्हाट एग्जांपल विल द बीजेपी सेट सर विद दिस केस? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। मैं बताऊं आपको, जो घटना घटित हुई है उसमें जो भी आरोपी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई होगी। ये कोई कांग्रेस की पार्टी की सरकार नहीं है जहां अपराधी खुलेआम घूमते हैं, भ्रष्टाचारी खुलेआम घूमते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां यदि कोई अपराधी अपराध करता है, कोई किसी तरह की घटना घटित होती है, वहां आरोपियों को सजा दी जाती है और आरोपियों को घर घर से पकड़कर खींचकर लाया जाता है जेल तक। इस बात से आप बेफिक्र रहिए, जो भी अपराधी है, जो भी घटना घटी घटित हुई है वहां पर जो आरोपी है उसको सजा बिल्कुल मिलेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.